मैं इस वक्त मौजूद हूँ आईआईटी आईएसएम धनबाद और आज हमारे साथ बात करने के लिए है जुड़े हैं अतुल। तो आइए हम अतुल से ही सीधा ही जानते हैं कि जो समय सीमा के रहते आपने जो पेमेंट करना था आईआईटी आईएसएम को वो ना कर पाने के कारण इनको आईआईटी में दाखिला नहीं मिल पाया था। फिर इन्होंने उच्च न्यायालय का सहारा लिया और उच्च न्यायालय के थ्रू से इनका एडमिशन आईआईटी आईएसएम में हो चुका है। फिलहाल कल अतुल आईआईटी धनबाद पहुंच चुके हैं। तो आइए हम सीधा अतुल से ही जानते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए आईआईटी में पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आपका एडमिशन भी नहीं हो रहा था तो आपने उच्च न्यायालय का सहारा लिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जब एडमिशन नहीं हो, पहले तो जब 24 तारीख को फीस पे नहीं हुई थी तो सीट कैंसिल हो गई, उसके कारण जो घर में था दुख का माहौल भी छा गया था कि अब बच्चे की सीट कैंसिल हो गई है। तो फिर हमने उसका सुप्रीम कोर्ट के में पता चला कि जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला हुआ था कि प्रिंस जयबीर सिंह के केस में उसको इसी तरह से यही सिचुएशंस थी और उसको सीट वापस मिल गई थी, तो हमने उसी राह पे चले और पहले झारखंड हाई कोर्ट गए, हम एनसीएससी भी गए थे, फिर झारखंड हाई कोर्ट गए और फिर मद्रास हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ कहीं से हमें रिलीफ नहीं मिला तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो जब पहली हियरिंग 24 सितंबर को थी तो उसमें जो सीजेआई सर है उनके वजह से उनसे आश्वासन मिला था कि हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि इस बच्चे का भविष्य बर्बाद ना जाए, और इसलिए अब फिर नेक्स्ट हियरिंग मंडे को हुई 30 सितंबर को। अब फिर जब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने फैसला सुनाया कि जो बच्चे का एडमिशन इसलिए रुक गया क्योंकि उसने फीस पे नहीं करी और इस वजह से इसका भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए इस आईआईटी धनबाद को इसको एडमिशन देना चाहिए। आप आए कब आईआईटी धनबाद आए कब? मैं आईआईटी धनबाद कल 3 तारीख को आया था। कल आप आईआईटी धनबाद पहुंचे हो जी, तो क्या इससे पहले आप कभी धनबाद आ चुके हो? इससे पहले मैं झारखंड हाईकोर्ट गया था रांची में, लेकिन यहाँ धनबाद आपका फर्स्ट टाइम हुआ? मतलब फर्स्ट टाइम। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या बताना चाहते हैं जो आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी ऐसा एग्जाम है जिसको निकालने के लिए अच्छे अच्छे पसीने छूट जाते हैं, तो आप मतलब ऐसे बताइए कि जो आपको देख के सीख सके कि आईआईटी में कितना घंटा पढ़ा जाए। जी जो हमारा वो था इंस्टीट्यूट उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी और जो फैकल्टीज थी बहुत अच्छी थी और जो हमारे सीनियर्स थे वे भी गाइड करते थे और जो हम सारे 100 के 100 बच्चे ग्रुप स्टडी करते थे, तो ग्रुप स्टडी से बहुत फ़ायदा मिलता है। टोटल कितने घंटे पढ़ते थे? जी टोटल 17 से 18 घंटे। 17 से 18 घंटे। इसमें आपका पेरेंट का घर वाला का सहयोग किस प्रकार रहा? जी पूरा सहयोग घर वालों का ही रहा, क्योंकि अगर वे ना होते तो हम ना इंस्टीट्यूट में जा पाते और ना ही कोचिंग कर पाते, ना ही आईआईटी आ पाते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि अतुल का आईआईटी आईएसएम में एडमिशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ का फैसला सुनकर आप मतलब अपने खुशी को किस प्रकार जाहिर कर सकते हैं? सबसे पहले तो सीजेआई चंद्रचूड़ जी का बहुत आभार, उन्होंने संविधान की उन धाराओं को इस्तेमाल किया जो एक विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल होती है, धारा 142, और उनका इस्तेमाल करते हुए एक जो होनहार छात्र है उसका भविष्य अंधकार में जाने से बचाया, और उन्होंने इतना बड़ा हमें जो है हमें और बच्चे को योगदान दिया है, हमारे जिंदगी वापस लौटाई है, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैं यूपी मुजफ्फरनगर में अपना खतौली क्षेत्र में टिटोड़ा गांव पड़ता है। टिटोड़ा गांव से रहने वाले हैं ना, और परिवार में खुशी का माहौल बहुत अधिक है, इसे शब्द से बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा डिसीजन रहा सीजेआई सर का, उन्होंने ऐसा किया ताकि एक बच्चे को उसकी शिक्षा से वंचित ना रखा जाए मात्र पैसे के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने अतुल को और अतुल के जो पापा हैं आप उनसे भी सुना, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले से इनके पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल था, ताकि क्योंकि उनका जो फैसला था उनके फैसले के द्वारा आईआईटी आईएसएम में अतुल का एडमिशन हो गया।